सबसे पहले इस मौके पर घोसी के सभी सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये परिणाम, मैं समझता हूँ इस परिणाम की जितनी समीक्षा करें और जितने तरीके से करें उतना कम होगा। जहाँ ये परिणाम उन धोखेबाज नेताओं के लिए भी सबक है जो जनता के बीच किसी दल से जाते हैं और उस दल की अगर सरकार नहीं बन पाती तो सरकार के लालच में पार्टियां छोड़ के दूसरे दलों में जाने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि जनता फिर से मोहर लगा देगी। आज घोसी की जनता ने यह साबित कर दिया कि ये घोसी, मऊ, पूर्वांचल, आजमगढ़ का ये इलाका समाजवादी इलाका है और समाजवादी पार्टी को, उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को धोखा देने का जो काम किया था दारा सिंह चौहान ने, उसका जवाब घोसी की जनता ने आज ढंग से दे दिया है और सबक दे दिया है उन लोगों को। साथ ही सबक उन लोगों को भी दे दिया है जो लोग बड़बोलेपन में जब हमारे पक्ष में थे तो क्या बातें कर रहे थे, आज उधर चले गए तो क्या बातें कर रहे हैं। उनको भी घोसी की जनता ने जवाब दे दिया है कि राजनीति में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। जवाब इस बात को भी दिया है आज घोसी की जनता ने, जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार, जो बेईमानी से बनाई हुई सरकार थी, बेईमानी से बनाई हुई सरकार की दम पर जो घमंड में चूर थे, आज जनता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं है तो जनता के बीच है। और जितने तरीके से घोसी की जनता के लोगों को धन्यवाद दिया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, उतना कम होगा, क्योंकि घोसी के लोगों ने आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कई तरह की नई परिभाषाएं लिखी हैं। बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, लगातार वो रहे, वोटिंग के दिन तक रहे, आज भी काउंटिंग में पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे उनका, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व पर भी जनता की मोहर है। आदरणीय चाचा जी से लेके हमारे उम्मीदवार सुधाकर जी और वहाँ के पूर्वांचल के जो भी साथी हैं जो लगे थे इस चुनाव में, और पार्टी का चुनाव ऐसे ही होता है और जब ऐसे ही होता है तो उसका परिणाम भी कुछ ऐसे ही होता है जो आज है। नहीं, जश्न है, बहुत खुशी है, घोसी जनता को नमन है। तौर पे मुझे यकीन है जिस तरह से देश के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के नित नए षड्यंत्र हैं, उन तमाम षड्यंत्रों को जवाब जहां घोसी ने शुरुआत की है वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और जिस उत्तर प्रदेश से लगातार दो बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वही उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी से निराश है, बीजेपी की सरकार से निराश है, लोकतंत्र के प्रति इनकी जो दुर्भावनाएं उससे निराश है, महंगाई से निराश है, बेरोजगारी से निराश है, किसानों की अलग समस्याएं हैं, समाज का कोई वर्ग नहीं बचा। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करो उनकी अलग समस्याएं हैं, व्यापारियों की अलग समस्याएं, वकील पीटे जा रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का जवाब जहाँ घोसी के लोगों ने आज शुरुआत की है वहीं मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन इंडिया के जो भी साथी उम्मीदवार होंगे उनको ऐतिहासिक जीत दिलाकर दिल्ली के अंदर एक नई सरकार जो इंडिया गठबंधन बनाए उस गठबंधन की सरकार बना के मोदी जी को जहां से बने थे वहीं से वापस आए। बीजेपी के लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या 9 साल में चीन से कोई जमीन खाली करा पाई, क्या अरुणाचल, क्या सिक्किम की समस्या का समाधान कर पाए। बीजेपी के लोगों से कहूँगा बातें कम करें, जनता ने उन पर भरोसा किया था, दो दो बार केंद्र की सरकार दी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार दी, कई प्रांतों की भी सरकारें दी, कम से कम जो बातें कही थी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उनको पूरा करें, तब नई बातें कुछ करेंगे तो शायद कोई कंसीडर करे। अन्यथा देश के जनमानस में आज ये भावना बैठ चुकी है, देश के जनमानस को आज ये यकीन हो चुका है कि बीजेपी के बाहर केवल चुनावी जुमले हैं। आज बीजेपी के लोग क्यों नहीं बातें कर रहे महंगाई की मार की, आज बीजेपी के लोग बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आज बीजेपी के लोग इस बात को क्यों नहीं कर रहे हैं कि देश की नहीं बिकने दूंगा जो नारे उन्होंने दिए थे, आज बीजेपी के लोगों को स्विस बैंक याद क्यों नहीं आ रहा है। तो जनता समझ रही है ये चुनाव में बातें कुछ करते हैं, चुनाव के बाद इस सरकार बनने के बाद इनके एजेंडे कुछ हो जाते हैं, कहीं अपने मित्रों को केवल फायदा पहुंचाने के लिए। जो बीजेपी कहती थी देश नहीं बिकने दूंगा, आज 2-4 घरानों को पूरा देश बेच के दे रहे हैं। तो इसलिए उनकी इन बातों पर आप मीडिया के लोग ना जाइए, और मीडिया के लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा, आज जो देश में तमाम तरह की चुनौतियां उसे मीडिया के लोगों अगर आप सच्चाई दिखाते रहोगे तो शायद देश के 140 करोड़ लोगों को कुछ राहत मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।